चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बुधवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, स्टाफ के 2 सदस्य और 9 अन्य लोगों की भी हादसे में मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हेलीकॉप्टर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जहाज कोहरे से बाहर निकला और आसमान में दिखा। कुछ सेकंड के वीडियो में ये स्पष्ट हो रहा है कि घटनास्थल का मौसम खराब था। इस वीडियो में कुछ स्थानीय लोग दिख रहे हैं, उन्होंने भी जब हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी तो उसकी ओर देखा। गौरतलब है कि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। हालांकि हेलीकॉप्टर को जब भी उड़ान के लिए तैयार किया जाता है तो उसे सभी पैरामीटर्स पर चेक किया जाता है। आप भी देख सकते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का दर्दनाक वीडियो। देश की जनता नम आंखों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। इसके अलावा देश उन 12 दूसरे अफसरों को भी श्रद्धांजलि दे रहा है जो इस हेलीकॉप्टर हादसे में असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए।